नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान कृषि यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप पाते हैं कृषि से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, किसान भाइयों, आज हम जो बात करने वाले हैं उसको लगभग सभी किसान भाई हो सकता है जानते होंगे और कुछ हो सकता है ना जानते हों, लेकिन ये केवल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये केवल जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसे आप लोग आगे ध्यान रखें। तो हम कुछ सावधानियों को लेकर बात करेंगे जिन्हें आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्प्रे मशीन से छिड़काव करने से पहले इस बात पर आपको जरूर ध्यान देना है। आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने के लिए मैंने अपना कुछ मतलब नुकसान भी कर लिया। तो जो आप उड़द की खेती देख रहे हैं, उड़द की फसल है इसमें, जो आप देख रहे होंगे कि जो उड़द की फसल की पत्तियां हैं वह उल्टी हुई हैं, जो आप आगे देखेंगे। तो इसमें बहुत इसमें हुआ क्या, इसमें मैंने शाम को इमिडाक्लोपीड और बिंचबिन का स्प्रे किया था और इसके 24 घंटे पहले शाम को मैंने गन्ने में खरपतवार ख़त्म करने के लिए गन्ने में अट्राजिन 50% WP और मेट्रीब्यूजिन 70% WP और 2,4-D एमाइन साल्ट 58% SL का छिड़काव किया था और बिना टंकी धुले मैंने इमिडाक्लोपीड 17.8% SL और बिंचबिन का छिड़काव अपने उड़द की फसल में 24 घंटे बाद शाम को कर दिया। यह वीडियो थोड़ी लंबी तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। फिर सुबह 6 बजे के आसपास जब मैंने उड़द की फसल का खेत देखा तो जहां से मैंने पहली टंकी स्प्रे किया था वहां की फसल की पत्ती उल्टी हुई थी। फिर मैंने सुबह ही 1 बीघा में 4 टंकी के हिसाब से कार्बेंडाजिम 12% प्लस माइकोजिम 63% WP छिड़काव कर दिया, इससे फसल अच्छे से धुल गए और आप वीडियो में रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, किसान भाइयों, टंकी को हमेशा अच्छे से धुल कर ही इसका फसल पर छिड़काव करें। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टंकी को खूब अच्छे से मतलब धुल लें, फिर उसके बाद में कोई भी दवा मतलब कोई भी जो कीटनाशक या जो मतलब कीटनाशक हो या खरपतवार नाशक हो या मतलब कोई भी दवा का छिड़काव करने से पहले अच्छी से टंकी को धुल लें, क्योंकि जैसे आप दुकान से टंकी लेकर जाते हैं तो पता नहीं रहता कि मतलब इससे कौन सी दवा का छिड़काव हुआ है, हो सकता है उसने धुला हो या ना धुला हो। तो आप टंकी को अच्छे से धुल लें। इस गलती के बाद मैंने एक चीज़ और देखी कि जिस तरफ की फसल की पत्ती उलट गई थी वह फसल बाद में पकी और जिस तरफ की पत्ती नहीं उल्टी थी उस तरफ की फसल पहले पकी। तो इससे यह पता चलता है कि गलत दवा पड़ जाने पर पौधों की वृद्धि और विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी नुकसान ना हो। ऐसे आप अगर देरी करेंगे उसमें, मान लो कोई गलत दवा आपने डाल दी और उसके बाद में अगर आप देरी करते हैं कोई दवा छिड़काव करना या मतलब धुलने में देरी करते हैं तो हो सकता है आपकी फसल नष्ट भी हो सकती है। और वैसे भी अगर कोई दवा अगर पड़ जाती है गलत तो उससे फसल नष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इससे फसल भी नष्ट हो सकती है। तो इसलिए स्प्रे टंकी को अच्छे से धुल कर ही उपयोग करें। अगर इस वीडियो में 1K लाइक मतलब 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइब मिलते हैं तो मैं आपको एक और महत्वपूर्ण वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आऊँगा, जो कि मुझे बड़ी मेहनत पर जानकारी मिली है। धन्यवाद दोस्तों, किसान भाई, और एक बार पुनः मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि मतलब ये नौबत ना है कि आपको उस किसी मतलब दवा का इस्तेमाल करना पड़े, मतलब कि मतलब कोई गलत दवा डाल देने के बाद आपको फिर उसके उपचार के लिए कोई दवा दूसरी प्रयोग करना पड़े। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी टंकी को बिना धुले आप छिड़काव मत करें। किसी भी दवा का छिड़काव अगर बिना टंकी धुले ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी मतलब अगर आप डाल भी देते हैं जैसे गलत दवा पड़ जाने के बाद, अगर आप उसका उसको धुल भी देते हैं मतलब कार्बेंडाजिम 12% या प्लस माइकोजिम 63% WP से, अगर कार्बेंडाजिम 12% प्लस माइकोजिम 63% WP से आप धुल भी देते हैं तो हो सकता है कि मतलब देर हो गई तो हो सकता है फसल नष्ट हो जाए। वैसे भी नष्ट हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्योंकि ये फसल बच गई। तो धन्यवाद दोस्तों, किसान भाइयों, आप हमेशा ध्यान रखिए हर चीज़ का, और इसी तरह मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। और भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मैं आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। धन्यवाद दोस्तों किसान भाई, आप मुझे कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, जो भी आप जानकारी चाहते हैं किसी से संबंधित। धन्यवाद दोस्तों किसान भाई।